वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। और आज हम मिले हैं रंजन से, जो रंजन दिल्ली इसके मेंबर्स भी है। और रंजन के साथ आज हम लोग आए हुए हैं सदर बाजार, दिल्ली की सदर बाजार में। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं, और विंटर खत्म होने वाला है, विंटर खत्म होने के बाद मार्केट में क्या आया हुआ है और कौन कौन से प्रोडक्ट आए हुए हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग और उसकी प्राइस जानेंगे इस वीडियो में। सबको जोड़ा दी थी हल्दी मेहंदी दोनों भाई साहब ने 250 का जोड़ा दे रहे हैं यहाँ पे, हल्दी मेहंदी का जो आप भाई के यहाँ टेबल कवर है अलग अलग कलर में और अलग अलग डिजाइन में। यहाँ पे 120 रुपए का एक है, टेबल कवर है, आप टेबल पे लगा करके डिनर खरीदने लगाते हैं 250 रुपए का। और ये वाला ये 200 रुपए, यहाँ पे आपको थर्मस मिल जाएगा 250 रुपये और 200 रुपये का, मतलब जो छोटा वाला है, और मेटल वाला जो है वो 250 रुपये का मिल जाएगा। बड़े वाला क्या है? 350। बड़े वाला जो है 350 रुपये का। कौन से कंपनी का भैया? मेगा स्टार का। ये आपको मिल जाएगा मेगा स्टार का 300 रुपीज़ का। कितने लीटर का? 1 लीटर। ये 1 लीटर का है, 300 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा सदर बाजार में। ये जो आप देख रहे हैं सारा के सारा बच्चों वाला खिलौना है, और बच्चों वाला खिलौना आपको यहाँ पे 100 रुपये में 4 से 5 मिल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे मार्केट में आपको 70-80 रुपये का एक मिलता है। आप सदर में आए तो सदर में आकर के मार्केट में आकर के आप बच्चों वाला ले सकते हैं खिलौने, जो खिलौने 100 रुपये में 4 से 5 मिल जाएंगे आपको। और खिलौने कोई छोटे नहीं है, खिलौने बड़े बड़े हैं, बच्चे खेल सकते हैं आराम से आसानी से। आप देखिए यहाँ पे 100 रुपये के 4 से 5 मिल जाएंगे आपको। छोटे मार्केट में भी जाएंगे लोकल अपने यहाँ, तो वहाँ पे 100 रुपये के 1-2 मिलते हैं, यहाँ पे 100 के 5 मिलते हैं, जो कि आज रंजन बाबू ने ले भी लिया है लड्डू के लिए। गाइस सदर बाजार में हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी 20 तक आए हैं देखते देखते। यहाँ पे बहुत भीड़ है दोस्तों, और भीड़ के देखते हुए यहाँ पे कहीं भी लोग मार्केट में अपना सामान रख के बेच सकता है, बेचता रहता है। बाकी पता नहीं यहाँ पे पुलिस का क्या रोल है, मैं नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो मार्केट है बहुत बड़ी है, बड़ी मार्केट में आपको हर एक सामान, मतलब समझिए कि सस्ते से सस्ते रेट में यहाँ पे मिल जाता है। आप देखेंगे तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखेगा, और अदर जो अंदर में शॉप है, शॉप के अंदर में भी सामान है, और रोड पर भी लोग सामान लगा के बेच रहे हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा सदर बाज़ार में, आप देख सकते हैं लेडीज लोग के लिए कितना अच्छा कलेक्शन लगाया हुआ है। कलेक्शन आपको सदर बाजार में एंट्री करेंगे तभी मिल जाएंगे आपको। लेडी अब संडे को सदर मार्केट आ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी आए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी भीड़ रहती है संडे को, इतनी भीड़ रहती है कि हर एक बंदा यहाँ पे आना चाहता है सदर बाजार में, यहाँ की सामान खरीदना चाहता है सदर बाजार से। आप देखेंगे तरीके की भीड़ हर जगह पे, लोगों की भीड़ हर एक गली में भीड़ यहाँ रहती है। ये जो सदर बाजार का मार्केट है, यहाँ पे अभी एंट्री करेंगे तभी आपको सारी की सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। और यहाँ पे आप देखिए मार्केट जो रोड पे है, अभी संडे वाली मार्केट है, आज रोड पे लगी हुई है, आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। संडे को भीड़ लगी होती है हर एक मार्केट के अंदर में, हर एक शॉप के अंदर में सदर बाजार देखिए। तो यहाँ पे आप यदि रोड पे वाली दो रोड वाली मार्केट में आएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, सब्जी से लेके फ्रूट से लेके हर एक चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और संडे को यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, संडे की भीड़ बहुत ज़बरदस्त होती है सदर बाज़ार के अंदर में। यहाँ पे कि अंदर सदर जो सदर की मेन मार्केट है वहाँ पे जगह नहीं मिलता है, तो लोग यहाँ पे रोड पे भी संडे को लगाते हैं। और संडे की मार्केट आप देखें तो दोनों साइड, रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, हर एक गली के अंदर में यहाँ पे मार्केट है। और यहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, काफ़ी सस्ते सामान है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। संडे मार्केट है सदर की, जो कि रोड से ही स्टार्ट हो जाती है और पूरे के पूरे लगी रहती है। यहाँ पे आपको हर एक टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल जाते हैं संडे वाले मार्केट में। भैया हम लोग को घूम लिया सदर बाज़ार, काफ़ी बड़ी सदर बाज़ार है और यहाँ पे लोग भी बहुत लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, लोगों की भीड़ देख के आपको पता चल जाएगा। कल निकलना है बैठने पूरे। भाई यदि आप सदर बाज़ार आना चाहते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैं आपको बता दूँ तो ये आरके आश्रम का मेट्रो स्टेशन है, जो रामाकृष्णा आश्रम मार्ग है। और आप देखेंगे तो पीछे जस्ट बगल में ही रामाकृष्णा आश्रम है, और यहाँ से भी आपको रिक्शा मिल सकते हैं, जो रिक्शा होते हैं दूसरे साइड से भी आपको रिक्शा मिल सकते हैं मेट्रो के।
तो आप यहाँ से रिक्शा लेकर के सदर जा सकते हैं। वहाँ का रिक्शे का रेट जो है आई थिंक 10 रुपीज़ है। वहाँ से आप जा सकते हैं रिक्शे लेकर के सदर बाज़ार। और यदि आपको वहाँ के बाज़ार घूमने का मन हो तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको आर के आश्रम पड़ेगा। बाकी गाइस वीडियो को अभी करते हैं इन सदर बाज़ार की वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।